वेरी गुड इवनिंग वन एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हियर विथ माई सेल्फ तिरुपति सर, योर्स बायोलॉजी टीचर. वंस अगेन आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ द स्मार्ट विजन एकेडमी. सो जैसे आपको पता है, लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, और उसके बाद अपन ने पढ़ा था माइक्रो प्रोपेगेशन. देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द बायो फोर्टिफिकेशन. इन दिस लेक्चर आई केम विथ अ न्यू टॉपिक, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन. मैं आपको बताऊंगा सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, इट इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अपन पढ़ेंगे. इसके बाद डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स लगते हैं इस सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के लिए, और कौन कौन से माइक्रोब्स एज ए सिंगल सेल प्रोटीन रिसोर्स करके या सोर्सेस करके अपन यूज़ करते हैं. उसके बाद अपन एडवांटेज देखेंगे. तो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा. तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द सिंगल सेल प्रोटीन, मैं आपको बता दूँ कि अभी सिंगल सेल प्रोटीन की ज़रूरत क्यों है. आपको ये भी बात पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे पॉपुलेशन दिन बर दिन बढ़ते जा रही है, इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसी तरह का फूड चाहिए, और वो भी न्यूट्रिशनल कंटेंट फूड चाहिए जो कि न्यूट्रिशन से युक्त हो. अभी इस न्यूट्रिशनल फूड को बनाने के लिए या न्यूट्रिशनल फूड लोगों तक पहुँचाने के लिए कई सारे टेक्निक्स अपनाना है. उसमें से कुछ टेक्निक्स ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस. जैसे कि आपको पता है कन्वेंशनल टेक्निक में अपने को पता है कि अपन ने क्रॉप ब्रीडिंग टेक्निक यूज़ किया था, उसके बाद कम्प्यूटेशनल ब्रीडिंग यूज़ किया था, उसके बाद बायो फोर्टिफिकेशन मेथड यूज़ किया था अपन ने. तो ये कुछ टेक्निक्स है जो नॉर्मल क्रॉप ब्रीडिंग टेक्निक में आते हैं, जिसके थ्रू अपन क्रॉप ईल्ड को बढ़ाने के साथ साथ में अपन ने उसमें कई सारे न्यूट्रिशनल कंटेंट भी अपन ने बढ़ाया था. तो क्रॉप ईल्ड ये क्या हो गया, ये कन्वेंशनल टेक्निक हो गया. लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है पूरा वर्ल्ड में, इस बढ़ती पॉपुलेशन को मद्देनज़र में रखते हुए है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सोचा है कि 2050 तक लोगों को खाने के लिए चाहिए वो अराउंड 1250 मिलियन टन्स ऑफ मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए पर ईयर. और इतना ज़्यादा डिमांड है और इतना ज़्यादा मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट अगर पर ये होगा, इस जिस तरह से अभी लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तरह का पॉपुलेशन अगर अनुमान में रखते हुए अगर 2050 तक यह अनुमानित लगाया जाता है कि 1250 मिलियन टन्स ऑफ मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स की जरूरत हो सकती है पर ईयर. तो आपको पता है कि मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स ये कहाँ से मिलते हैं, कि एनिमल से मिलते हैं, कि एनिमल्स आर द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर द मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें बहुत सारा प्रोटीन कंटेंट होता है. और पॉपुलेशन इसी तरह से अगर बढ़ते जा रहा है तो उसके लिए जो एनिमल्स है वो एनिमल्स इतना ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते हैं उस टाइम तक. कई सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, कई सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से कई सारे लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, प्रोटीन नहीं मिल पाता है. तो वो लोग दे यूज़ टू बी सफ़र फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन से सफ़र होते हैं, जिससे उनको न्यूट्रिशनल डिजीज़ या डिसऑर्डर होते हैं. तो इन्हीं चीज़ों को ओवरकम करने के लिए कन्वेंशनल मेथड क्रॉप ब्रीडिंग टेक्निक यूज़ किए थे. और उसके अलावा इस क्रॉप ब्रीडिंग टेक्निक के अलावा भी और भी कुछ नॉन कन्वेंशनल मेथड्स है जिसको अपन कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन. ये एक नॉन कन्वेंशनल मेथड में आता है, ये भी एक सोर्स है प्रोटीन का जिससे अपने को प्रोटीन मिलता है. और ये प्रोटीन किस तरह से मिलता है, कैसे मिलता है, ये अपन देखेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है, देखो यहाँ पे आप दिख रहा है सिंगल सेल प्रोटीन, इट रिफर्स टू द क्रूड और रिफाइंड एडिबल प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्योर माइक्रोबियल कल्चर और फ्रॉम डेड और द ड्राई सेल बायोमास. सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले माइक्रोब्स को लिया जाता है यहाँ पे, इट मे बी अ बैक्टीरिया, ईस्ट, फंगाई, है ना. इन माइक्रोब्स को एक कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो किया जाता है, और जो कल्चर मीडिया है वो खास करके कई सारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, जैसे शुगर केन मोलासेस है या वुडी पार्ट है, जो भी वेस्ट होता है या गार्बेज है, तो ये वेस्ट को लेके उसके ऊपर इन सेल्स को मतलब माइक्रोब्स को उसके ऊपर इनोकुलेट किया जाता है उस कल्चर मीडिया के ऊपर, और उनकी ग्रो किया जाती है. और जैसे उनकी ग्रोथ होती है तो वो एक माइक्रोबियल बायोमास बनाता है, और उस बायोमास को जब उसको प्यूरीफाई किया जाता है और जब उसको उसमें से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, देन वी कैन ईट दोज प्रोटीन्स. इसलिए उसको कहते हैं रिफाइंड एडिबल प्रोटीन फॉर्म में जब लाके अपन उसको कंज्यूम करते हैं उसको अपन कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन. तो सिंगल सेल प्रोटीन रिफर्स टू द क्रूड और रिफाइंड एडिबल प्रोटीन दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्योर माइक्रोबियल कल्चर और इट मे बी फ्रॉम द डेड और द ड्राई सेल बायोमास.
जो माइक्रोबियल सेल है वो डेड भी हो सकता है, या जो बायोमास बनेगा वो ड्राइड सेल भी हो सकता है। तो उसमें से अपने को प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके उसको एडिबल फॉर्म में ला के अपने को न्यूट्रिशनल फॉर्म में देना है फूड में। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के लिए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी है, फंगा है, ईस्ट है एंड बैक्टीरिया है, जिसके पास प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है उसके बायोमास में। इन माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, जैसे ही मैंने आपको बताया है कि इनएक्सपेंसिव सब्सट्रेट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रीकल्चर से जो भी वेस्ट जनरेट होता है, वुड शेविंग्स। आपको पता है कारपेंटर जब कारपेंटिंग करता है तो कई सारा वुड निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड वुड शेव। सॉडस्ट, सॉडस्ट भी अपन रॉ मटेरियल करके यूज़ कर सकते हैं। कॉर्न कॉब्स, कॉर्न कॉब्स मतलब मेज, मेज खाने के बाद जहाँ पे वो मेज जहाँ से अटैच होती है बीच के जो सेंटर सिलिंड्रिकल पोर्शन जो होता है मेज का, उसको अपन कॉर्न कॉब कहते हैं। पैराफिन, नाइट्रोजन अल्केन्स है, शुगर केन मोलासेस है, इवन ह्यूमन और एनिमल वेस्ट भी अपन एज ए सब्सट्रेट करके यूज़ कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, और उससे जो माइक्रोबियल बायोमास बनेगा उसका प्योरीफाई करके अपन प्रोटीन कंटेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो भी रॉ मटेरियल अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी अपन ने देखा है कि जैसे शुगर केन मोलासेस है या पोटैटो, अभी बोल सकते हैं पोटैटो का जो प्रोसेसिंग होता है तो उससे भी जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट को भी अपन एज ए रॉ मटेरियल करके भी यूज़ कर सकते हैं इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, जिसमें खास करके मेन जो कंटेंट होते हैं दैट इज़ कार्बन एंड द नाइट्रोजन जो आप देख रहे होंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के लिए कार्बन और नाइट्रोजन सोर्सेस मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि वो इनको यूटिलाइज करके वो प्रोटीन कंटेंट में उसको कन्वर्ट करते हैं, और एंड कन्वर्ट देम इनटू हाई क्वालिटी प्रोटीन्स दैट कैन बी यूज्ड एज ए सप्लीमेंट इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फीड। और उसको सप्लीमेंट करके अपन एनिमल और ह्यूमन फीड में यूज़ कर सकते हैं। और इतना ही नहीं है कि सिंगल सेल प्रोटीन मतलब किसी प्रोटीन का ही सोर्स नहीं होता है, इसमें बाकी विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, मिनरल्स है एंड फैट्स भी होते हैं। तो सिंगल सेल प्रोटीन्स कैन बी रेडिली यूज्ड एज ए फॉडर फॉर अचीविंग फैटनिंग ऑफ काउस, पिग्स, ब्रीडिंग फिश एंड इवन इन पोल्ट्री एंड कैटल फार्मिंग। जो सिंगल सेल प्रोटीन्स हैं वो फॉडर में भी यूज़ करते हैं। फॉडर मतलब जो खाद, सॉरी, जो इनको खिलाते हैं, एनिमल्स को जो खिलाते हैं, राइट, जो ग्रास वगैरह होते हैं या ग्रेन्स वगैरह होते हैं उसको अपन फॉडर कहते हैं। तो उस फॉडर में ये प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन ऐड करके उन काल्व्स को बोलो या पिग्स को बोलो या जो ब्रीडिंग फिशेस होती है, पोल्ट्रीज है, कैटल फार्मिंग है, इन सबको खिलाया जाता है, राइट? अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स यूज़ करते हैं वो, उसका क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फंगाई भी यूज़ करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन में, ईस्ट यूज़ करते हैं अपन, अलगी यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। तो ये माइक्रोब्स के सम क्लासिफिकेशन हैं। जैसे फंगाई में अस्पर्जिलस नेगर है, ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ईस्ट में सैक्रोमाइसिस सेरेविजी है, कैनिडिया यूटिलिस है, अलगी स्पिरुलिना है, क्लोरेला है, देन बैक्टीरिया मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है नीट बोलो या स्टेट बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। सिंगल सेल प्रोटीन कभी कभी स्टेट बोर्ड में शॉर्ट नोट पे आता है, और एनसीईआरटी में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन होता है, स्पायरुलिना देन मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस। सो यू नीड टू बी रिमेंबर ऑल दिस एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एडवांटेज क्या है एडवांटेजेस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन? आपको पता है कि सिंगल सेल प्रोटीन, यहाँ पे जो प्रोटीन मिल रहा है अपने को माइक्रो से मिल रहा है, और माइक्रोब्स का जो मल्टीप्लिकेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होने की वजह से कम समय में इसमें ज़्यादा बायोमास मिलता है, और ज़्यादा जितना बायोमास मिलता है उस बायोमास से अपने को प्रोटीन मिलता है, ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि सिंगल सेल प्रोटीन के लिए जो भी माइक्रोब्स अपन यूज़ करते हैं, इन माइक्रोब्स में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली 43 से 85% जो है इसमें प्रोटीन कंटेंट होता है, राइट? और प्रोटीन कंटेंट और भी अपन बढ़ा सकते हैं बाय मीन्स ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन द माइक्रोब्स टू वेरी द कंपोजिशन ऑफ अमीनो एसिड एंड टू इंक्रीज द कंटेंट ऑफ द हाई प्रोटीन। इसके अलावा जो भी सिंगल सेल प्रोटीन के लिए अपन रॉ मटेरियल जो यूज़ करते हैं वो खास करके वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो एज ए सब्सट्रेट करके अपन यूज़ कर सकते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के लिए। सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो सिर्फ प्रोटीन के लिए ही नहीं जाना जाता है, सिंगल सेल प्रोटीन में विटामिन भी मिलते हैं, अमीनो एसिड भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं, और अच्छे फाइबर्स मिलते हैं। सो दिस इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड सोर्स ऑफ ऑल दिस विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स एंड क्रूड फाइबर्स। तो ये सभी भी अपने को सिंगल सेल प्रोटीन से मिल सकते हैं। एक्चुअली सिंगल सेल प्रोटीन का फर्स्ट जो रियलाइजेशन है ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे हुआ था। उस टाइम पे माइक्रोबियल बायोमास जो है उन युद्ध में जो भी लोग इन्वॉल्व होते थे इस लड़ाई के लिए, तो उन लोगों को खास करके ये सिंगल सेल प्रोटीन खिलाया जाता था। तो उसमें कुछ एग्जांपल्स का भी नाम बता सकता हूँ। मशरूम्स आपको पता है, मशरूम है, एडिबल मशरूम्स,
राइट, देन स्पिरुलिना है जो कि आपको पता है कि ये स्पिरुलिना जो है ये अलगी में आता है, क्लोरेला है। तो दीज आर एडिबल प्रोटीन्स विच इज़ नथिंग बट द सिंगल सेल प्रोटीन एंड विच हैविंग अ नंबर ऑफ अप्लीकेशंस एंड इट विल फुलफिल ऑल द डिमांड्स विच इज रिस्पेक्ट टू द प्रोटीन कंटेंट इन द न्यूट्रिशनल फूड, राइट। सो दिस इज अबाउट द सिंगल सेल प्रोटीन। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।